आप चूतिया हैं, आप हैं चूतिया एक नंबर के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं हर्बल लाइफ वाले। हर्बल लाइफ की कंपनी में जो बैठे हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग एक नंबर के चूतिया हैं। अगर नहीं है तो फिर वो आप लोग को बहुत भयंकर तरीके से बना रहे हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेच बेच के। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर्बल लाइफ खरीदना छोड़िए। क्यों छोड़िए उसके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगा। सबसे पहले बताऊँ कि अगर आप किसी भी ऐसे आदमी के कॉन्टैक्ट में है जो हर्बल लाइफ का सप्लीमेंट या जो भी कहो जो कचरा आपको बेचता है, तो प्लीज़ उससे दूर हो जाइए। उसको कहिए कि ये सब ना करे, और आगे जो लोग हैं उनको भी आप वार्न करिए इस चीज़ को लेकर के कि कोई भी हर्बल लाइफ का सामान ना खरीदे। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब ये लोग आपको छोटे छोटे 2-3 डब्बे देते हैं जिनमें कुछ खास नहीं होता। मैंने डब्बे के इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे और कुछ नहीं। आपको कहेंगे खाना मत खाओ और ये डब्बे लो और आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। इतने हरामी हैं ये लोग। मैं अब इतना गुस्सा मुझे आज तक नहीं आया किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हुए, लेकिन आज थोड़ा आ रहा है। ये आपको कहेंगे कि आपको दिन में कुछ नहीं खाना, आप ये शेक पियो, और ये कोई फार्मूला बन करके शेक आता है इनका, और एक कोई छोटा सा प्रोटीन आता है, कहेंगे आप ये लो, ठीक है। और दोपहर में आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है और शाम को फिर से वही लेना है। मतलब आपका इन्होंने जितना जंक था वो बंद कर दिया, आपका चावल बंद कर दिया, आपके स्वीट्स बंद कर दिए, आप कायदे से खा नहीं सकते घर का खाना। केवल आप इनको ये मील रिप्लेसमेंट कहते हैं प्यार से। तो जब आप खाली ये जूस पी के या ये शेक पी के रहोगे तो जाहिर सी बात है भैया, जब तुम खाओगे पियोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फैट लॉस होगा, तुम्हारा वेट लॉस होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि आप इस हमारे प्रोडक्ट के साथ करो, तो हमारा प्रोडक्ट है इसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप एक गधों हर्बल लाइफ वालों, कह रहा हूँ आपको नहीं, कि अगर आप लोग ना अपनी डाइट में से ये हर्बल लाइफ जो कचरा है इसको हटा भी दो और कम खाना शुरू कर दो ना 200-300 कैलोरीज, तो भी आपका वेट सही तरीके से गिरेगा। आप एक बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर पाएंगे कम से कम अपने आप को भूखा तो नहीं मारेंगे। मैं आपको बता दूं, फैट लॉस के दौरान अपने आप को भूखा मारना, फैट लॉस के दौरान या कभी भी अपने आप को भूखा मारना सबसे गलत चीज़ है। अपने आप को कभी भूखा मत मारिए, खाना खाइए। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो कैलोरी डेंस नहीं होते हैं, जो लो कैलोरिक होते हैं, उनको खाइए ना। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। कौन कह रहा है तेल में भुनी हुई चीज़ें खाने को आपको, कौन कह रहा है चावल खाने को, रोटी खाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, आप वो सब खाइए। इसके चक्कर में कतई मत पड़िए। जो लोग हर्बल लाइफ ले रहे हैं उनकी हेल्थ को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस्ड चीज़ों से जिएंगे आप, इनसे पूछो कब तक चलाना, कहते हैं जब तक आप पतले नहीं हो जाते। कई कई बार तो कहते हैं लाइफ टाइम चलाओ ऐसे ही। आप इसलिए आए हो यार जीवन में जन्म इसलिए लिया है कि अपने आप को भूखे मारते फिरो? ये कंपनी एक नंबर की फ्रॉड है, एक नंबर की फ्रॉड है कंपनी। ये आपको 3-4 छोटे छोटे डब्बे देती है, कितने के, 5,000-6,000 के डब्बे देती है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लेना भी चाहते हैं हर्बल लाइफ तो 150 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा चारों डब्बों का। लोगों का भी क्या ही कहना है कि 5,000-5,000 रुपये इन सब कचरों पे लगा देते हैं, इससे बढ़िया आप किसी कोच को हायर करिए। वो महीने का 1-2,000 रुपये लेते हैं कोच आजकल ऑनलाइन। आपको बढ़िया डाइट खिला के आपको भूखा नहीं मारेंगे वो लोग। अब आप अपने आपको मार मार के फैट लॉस कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप खुश रहें किसी भी प्रोसेस के दौरान, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे जो हो, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको भूखा मार देंगे, प्लीज़ इनके चक्कर में ना पड़िए। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ हम खाना पीना जैसे खा रहे हैं वैसे खाएं और हर्बल लाइफ पिए तो फैट लॉस हो जाएगा, देखिए ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी जिससे लेके आपका फैट लॉस हो जाएगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कैलरीज इन कैलरीज आउट। जितनी कैलरीज आपने खाई है उससे ज़्यादा बर्न कर देंगे या कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे, मेंटेनेंस कैलरीज से कम खाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका फैट लॉस होगा। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस कैलरी से ज़्यादा खा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप गेन करेंगे। उसमें कुछ नहीं करना इन सब चीज़ों का। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर्बल लाइफ केवल आपके कम खाने का क्रेडिट ले जाता है कि फैट लॉस आपका इसकी वजह से हुआ। प्लीज़ इन सब से बचिए। सेंसिबल लोगों को फॉलो करिए, यूट्यूब पे करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने एक वीडियो बना के रखी है अपना डाइट प्लान बनाने पे, उस वीडियो को देखिए, अपना डाइट प्लान बनाइए और खुद से फैट लॉस करिए अपना। अगर आप कोच नहीं हायर करना चाह रहे हैं तो खुद से कर लीजिए। आप जो खाना चाहें आप खा सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। आप जो खाना चाहें, चाहे आप समोसा खाना चाहें, आप समोसा खा के ही फैट लॉस कर सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी मैनेज करनी आनी चाहिए, वो मैंने उस वीडियो में सिखा रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जाके देखिए। और इन सब के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे हज़ारों ट्रांसफॉर्मेशंस खड़ी कर दूंगा आपके सामने जिन्होंने बिना इस घटिया चीज़ के बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत बढ़िया। ऐसे थे, पता नहीं कैसे कैसे थे, 200-200 किलो के लोग थे, वो आ गए हैं अब 80 किलो के, 70 किलो के, इतने प्यारे हो गए यार वो लोग।
प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपना पैसा वेस्ट मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा मेहनत से कमाते हैं आप इसको। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में तो नहीं घुसा इसके, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं हर्बल लाइफ की कि इसका अच्छे से रिव्यू करूँ, इसके बारे में बातें करूँ मीठी मीठी। मैं नहीं कर सकता ये सब। जो सच है वो सच है। मेरा खाली एक पॉइंट है कि आप इसको मत खरीदिए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए। मील रिप्लेसमेंट जैसी कोई भी चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मील का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और कोई आपका डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और ये जो एजेंट पेजेंट आएंगे ना उनके, कि ये बंदा कुछ नहीं जानता, किसी को वीडियो दिखाओ मेरी, तो मत सुनना उनकी बात, क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, अ स्टूपिड पर्सन्स रिपोर्ट ऑफ अ कॉमन मैन कैन नेवर बी एक्यूरेट। एक बेवकूफ़ आदमी को अगर कोई समझदार आदमी कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेगा ना, तो वो बेवकूफ़ आदमी उसको अपने लेवल पे ट्रांसलेट करके अपने ऊपर वार समझ लेगा। इसीलिए प्लीज़ किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, बस आप उनसे दूर रहिए, उनका सामान ना खरीदिए। और केवल हर्बल लाइफ नहीं, ऐसे जितने भी मील रिप्लेसमेंट आते हैं आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है।